हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती की कटिंग देखने वाले हैं। तो कॉलर वाली कुर्ती जो होती है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कपड़ा लिया है इस तरह से। ये जो है ये कपड़ा हमने यहाँ पे डबल किया है। डबल करने के बाद फिर एक बार फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद अभी यहाँ पे पहले इसकी मेजरमेंट लेते हैं। पहले कुर्ती की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ से पूरी लेंथ, जितनी भी आपकी पूरी लेंथ होगी उतनी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 30 इंच इसकी लेंथ है, तो हम 32 इंच लेंगे। यहाँ पे ये पूरी लंबाई आती है, तो यहाँ हम एक मार्किंग कर लेते हैं। लंबाई है हमारी 32 इंच, क्योंकि जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। उसके बाद हमें शोल्डर का नाप लेना है, जो कॉलर वाला गला है उसको हम इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से जैसे यहाँ पे हमने ये बाजू ज्वाइन किए हैं, और इस साइड से यहाँ से यहाँ तक हम शोल्डर का नाप लेते हैं। तो शोल्डर है हमारा 13 इंच। तो यहाँ हम गले का नाप लेते हैं। पहले 2.5 इंच पे हम गला लेंगे। शोल्डर है हमारा 13 इंच, तो शोल्डर का हाफ करेंगे हम 6.5 इंच। यहाँ पे हम 1/2 इंच तिरछा कट देते हैं। जैसे ये सीधा है तो हम 1/2 इंच तिरछा कट देते हैं। यहाँ से हम आरमोल नापते हैं। आरमोल लेंगे हम 5.5 इंच। 5.5 इंच पे अपने निशान लगाते हैं। अब यहाँ पे चेस्ट का नाप लेते हैं। ये आता है हमारा 17 इंच। 17 इंच हमारा एक साइड का आता है, तो हम उसका हाफ करेंगे 8.5 इंच। हम 8.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। ये जो कपड़ा है हमारा, ये बचा हुआ कपड़े में से हम छोटे बच्चे की कॉलर की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सीधा इसको आर्मोल की गोलाई देनी है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच की पे मार्किंग करनी है। यहाँ हम आर्मोल की गोलाई देते हैं, और यहाँ हम 1/2 इंच बाहर अंदर के साइड में लेके फिर इसको इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई होगी, जैसे ये बैक साइड की गोलाई है और ये फ्रंट साइड की। यहाँ से हमने 1/2 इंच, 1/4 इंच लिया है, और यहाँ से हमने 1 इंच लिया है। अब यहाँ पे 12.5 इंच पे हम एक निशान लगाते हैं, उसका हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे हम कमर का नाप लेते हैं। कमर है हमारी 7.5 इंच, 1/4, 7.5 इंच, और चेस्ट जो है हिप का उतना ही हमने लेना है। जैसे 8.5 इंच लिया है और 1 इंच प्लस किया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये जो है यहाँ पे जो चेस्ट का नाप है इसको हमें कमर के नाप तक ज्वाइन करना है, और यहाँ पे हमें इस तरह से हिप के नाप में ज्वाइन करना है। और घेरा जो है वो जितना है उतना ही हम यहाँ पे जितना है उतना ही घेरा हम रखने वाले हैं। तो ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन के लिए। अब ये जो है गले का मार्किंग किया है हमने, और शोल्डर जो है शोल्डर ये बड़ा रहता है। जैसे बड़ों का होता तो 15 या 16 इंच होता,
तो अभी ये छोटे बच्चे का है, 10 साल की लड़की का, तो इसका शोल्डर हमारा 13 आया है। तो हमने शोल्डर का हाफ, जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें मतलब उसका आपको आधा करना है। जैसे अब हमारा 13 इंच शोल्डर था तो हमने 6.5 इंच लिया है, गला लिया हमने 2.5 इंच पे, आर्मोल लिया हमने 5.5 इंच पे, यहाँ पे हमने चेस्ट का नाप लिया है। जितना भी आपका चेस्ट का नाप होगा उसमें आपको 1-1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। कमर का नाप भी हमने जितना था कुर्ती के ऊपर उतना ही लेके उसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, और हिप का माप भी जितना होगा उतना लेके 1 इंच हमने इसमें प्लस किया है, क्योंकि 1 इंच हम इधर फोल्ड करने के लिए जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बाहर के साइड का जो आर्मोल है उसको कट करेंगे। इस तरह से हमने ये कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग की है। अब यहाँ पे इसको हम फ्रंट साइड नहीं कट करने वाले, क्योंकि यहाँ जो है तो यहाँ पे हम स्लीव्स नहीं जॉइंट करने वाले। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ हम जो है तो अलग पाइपिंग यानी कि दूसरे कलर की पाइपिंग यहाँ पे लगाएंगे, और ये जो है तो ये हम स्लीवलेस टॉप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जो फ्रंट साइड की कटिंग शेप हमने दिया था उसको हम नहीं कट करने वाले, तो हम इसको कॉलर वाला और स्लीवलेस टॉप बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर अभी ये इसकी कटिंग हो चुकी है, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।